हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है कॉन्फर्मेशंस के ऊपर, जो कि टॉपिक है रिलेटेड केमिस्ट्री से। सो क्लास 11 और मे बी हायर स्टडीज के लिए भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कॉन्फर्मेशंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए, इसके टाइप्स की ओर बढ़ते हुए हम बात करेंगे कुछ प्रोजेक्शंस के बारे में भी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए, मैं हूं आपका दोस्त भुवन अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्टडी विद भुवन अग्रवाल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें कन्फर्मेशंस की कि होते क्या हैं। सो जो कन्फर्मेशंस होते हैं, आप एज्यूम कीजिए एक कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ एल्केन का, क्योंकि एल्केन में ही पॉसिबल है। एल्कीन या फिर एल्काइन में कन्फर्मेशंस पॉसिबल नहीं होते हैं, इसीलिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ एल्केन्स की। सो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इथेन की, जिसमें कि दो कार्बन है। सो फ्रेंड्स, एक कार्बन है ये और एक कार्बन है ये। सो इन दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। सो अगर इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जो एक कार्बन है उसको मैं फ्रीली रोटेट कर सकता हूं अराउंड दिस सिंगल बॉन्ड, और इस दूसरे वाले कार्बन को भी मैं रोटेट कर सकता हूं फ्रीली अराउंड दिस सिंगल बॉन्ड, जिससे कि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्शंस आएंगी, जिससे कि हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं एक टाइम पे एक रोटेट हो सकता है, या फिर दूसरा भी रोटेट हो सकता है, फिर दोनों एक साथ रोटेट हो सकते हैं। सो ये कहलाता है कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस क्या होते हैं? ये स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं कार्बन कार्बन एटम्स के, जो कि सिंगल बॉन्ड में ही पॉसिबल हैं, और इसको कहते हैं हम रोटामर्स भी कहते हैं, रोटेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं, और कन्फर्मेशंस भी कहते हैं। तो इसको हम कन्फर्मेशंस भी कहते हैं, रोटेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं, और रोटामर्स भी कहते हैं। सो अब बात करेंगे डिफरेंस के बारे में कि रोटेशनल आइसोमर्स क्यों कहते हैं। सो आपको पता होगा आइसोमर्स होते क्या है। आइसोमर्स होते हैं जिनका सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा था पहले भी इथेन का, और अभी भी मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ इथेन का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इथेन मॉलिक्यूल है उसमें सिंगल बॉन्ड है, और वो जो है उसका फॉर्मूला वो है C2H6। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि आइसोमर्स की, आइसोमर्स में होता है सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला। अगर मैं बात कर रहा हूं इस इथेन की, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6 अराउंड ऑल कन्फर्मेशंस, ऑल रोटेशंस, वो सेम है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, तो जो स्ट्रक्चर है इस इथेन का वो डिफरेंट है हर एक पॉइंट पे। जैसे कि आप इस कार्बन को फिक्स रखिए, और साथ में ये सिंगल बॉन्ड है यहां पर बीच में, एंड देन ये जो आपके पास एक कार्बन है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास हर एक सेकेंड पे एक नया स्ट्रक्चर आएगा, बट जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। सो इसको कहते हैं इसलिए रोटेशनल आइसोमर्स, आइसोमर्स जो कि रोटेशन से बन रहे हैं। तो ये जो कन्फर्मेशंस होते हैं, अब इसमें बात करेंगे, इसके अंदर एक पॉइंट आता है टॉर्शनल स्ट्रेन। तो जो टॉर्शनल स्ट्रेन है उसको डिफाइन करते हैं। तो आपके पास ये कार्बन है, एक ही कार्बन एटम है जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसको एग्जांपल ले सकते हैं एक एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विद अ सिंगल बॉन्ड। सो ये जो कार्बन एटम है इसका एक अलग इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, एंड दिस कार्बन एटम हैज इट्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, देन अगर इस वाला ये कार्बन मूव करता है, लाइक ये कार्बन रोटेट करता है, तो ये उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी मूव करेगा। ऑल्सो ये जो कार्बन एटम है, अगर ये रोटेट करता है, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी मूव करेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होगा, या तो रिपल्शन या फिर होगा अट्रैक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हो सकता है रिपल्शन और हो सकता है अट्रैक्शन। तो ये जो इसके अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से एक स्ट्रेन आएगा इस पूरे एटम में, जिसको हम कहेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन। तो ये तो हमारा टॉर्शनल स्ट्रेन और कन्फर्मेशंस के बारे में। अब फ्रेंड्स, जो अब कन्फर्मेशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कन्फर्मेशंस दो टाइप के हैं, पहला है स्टैगर्ड एंड सेकेंड है एक्लिप्स्ड। तो बात करते हैं स्टैगर्ड की और एक्लिप्स्ड की। तो फ्रेंड्स, जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसमें एक कार्बन एटम है उसमें, और ये कार्बन एटम है जो कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से। ओके, सो इसका जो हाइड्रोजन होगा और जो इसका हाइड्रोजन होगा वो होंगे इन द डिफरेंट प्लेन्स। बट इन द केस ऑफ एक्लिप्स्ड, जो एक्लिप्स्ड में होगा वो, उसमें क्या होगा कि जो इस कार्बन का हाइड्रोजन है और इस कार्बन का हाइड्रोजन वो होंगे एक सेम प्लेन में, सिंगल लाइन में। जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये इमेज है वो दिखा रही है हमको कि जो हाइड्रोजन है पहले कार्बन का और जो हाइड्रोजन है दूसरे कार्बन का वो एक सेम लाइन में है, मतलब आमने सामने है। और बात करें अगर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की, तो जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसमें जो आपके हाइड्रोजन है वो डिफरेंट प्लेन्स है, मतलब कि वो सेम लाइन में नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स दिखा रहे हैं।
सो ये तो फ्रेंड्स बात थी स्टैगर्ड कंफर्मेशन की एंड एक्लिप्स कंफर्मेशन की। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में हमने बात की थी कि हम बताएंगे न्यूमैन एंड सौ हॉर्स प्रोजेक्शन के बारे में। सो दोस्तों प्रोजेक्शन होती क्या है एक्चुअली, प्रोजेक्शन होती है वो चीज जैसा कि लाइक दिस इज अ प्रोजेक्शन, दिस इज अ प्रोजेक्शन या फिर कंफर्मेशन है ये, जो कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से बन रही है। सो इसके जो देखने के व्यूज होंगे उसको हम प्रोजेक्शन बोल देंगे। ओके सो अब डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होंगे इसके देखने के लिए, तो आपको दो व्यूज हैं जो दो प्रोजेक्शंस हैं। सबसे पहला है सौ हॉर्स एंड सेकंड है न्यूमैन। जो सौ हॉर्स प्रोजेक्शन है उसमें आप ये आपका क्या है या वो कंफर्मेशन हो गया, जो आपका जो आपकी आई होगी या फिर आपका जो व्यूइंग पॉइंट होगा वो होगा या तो ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट। ओके तो आप यहां से इसको एटम को कंसिडर इस कंफर्मेशन को कंसिडर करेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जैसा कि आपका एट अ व्यू पॉइंट और एट अ साइट आपको ये दिख रहा है कि कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और साथ में जो हाइड्रोजन इससे अटैच्ड है वो सब कुछ सिंगल लाइन में है और एक डिफरेंट लाइन में भी है। तो जो सिंगल लाइन है वो होगा एक्लिप्स्ड एंड द डिफरेंट लाइन होगा वो होगा स्टैगर्ड। अब हम बात करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स जो न्यूमैन प्रोजेक्शन में होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये आपका कंफर्मेशन हो गया और इस कंफर्मेशन में जो आपका व्यूइंग पॉइंट होगा वो आप कुछ इस टाइप से देखेंगे। ओके तो ये जो पहला पॉइंट होगा ये होगा कार्बन जो कि फर्स्ट कार्बन होगा और जो पीछे वाला पॉइंट होगा ये होगा सेकंड कार्बन। ओके तो इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन के पीछे छिपा हुआ है। सो इस वाले केस में आपको जो हाइड्रोजन है वो फ्रीली दिख सकते हैं। ये आपका एक कार्बन एटम है जिसमें कि एक हाइड्रोजन आपका ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। ओके और एक ये कार्बन एटम है जिसमें कि आपका एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक ये रहा। सो अगर मैं बात करता हूं किसकी स्टैगर्ड की, सो स्टैगर्ड में आपको डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन डिफरेंट प्लेसेस पे दिखाई देंगे। लाइक जो आपको ये मेरी सिक्स फिंगर्स लाइक दिख रही होंगी, सो ये कहलाएगा स्टैगर्ड कंफर्मेशन इन द केस ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन। बट इन द केस ऑफ एक्लिप्स्ड दिस विल आप इसको देखेंगे कुछ इस टाइप से, जिसमें कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के पीछे छिपा हुआ है और एक कार्बन दूसरे कार्बन के पीछे छिपा हुआ है, और ऐसे ही होगा आपका सौ हॉर्स एंड न्यूमैन। सो फ्रेंड्स कंफर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस किया और दो टाइप के कंफर्मेशन होते हैं, सबसे पहला होता है स्टैगर्ड एंड दूसरा होता है एक्लिप्स्ड। फिर आता है हम प्रोजेक्शन के बारे में बात करने। प्रोजेक्शन होती है, प्रोजेक्शन होते हैं दो टाइप के, सबसे पहला होता है सौ हॉर्स एंड सेकंड वन इज न्यूमैन, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया और हमने इसमें बात की टॉर्शनल स्ट्रेन के बारे में भी। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स एक लाइक इस वीडियो को बनता है और साथ में कुछ भी आपको अगर न्यू वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप मेरे को वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ भी आपको सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो,